उसको कर्मवान बनाने के लिए माता दुर्गा ने वहां उतार लिया और उस महिषासुर को यानी खुलगे के उस अवतार को सारे सत्यों का नाश किया। उसके बाद उनकी बहन हो गई महिषी। महिषी का मतलब होता है केवल खुलगे ही आर्य सत्य नहीं होते, औरतें भी होती है, औरतें हुई थी आर्य सत्य होता है। और वो ज्यादा आर्य सत्य जब उनमें हो गया था तो औरत औरत को मारने की बात कहीं दूर से नहीं, अब कौन अवतार ले, कोई भी अवतार ले तो शापग्रस्त हो जाएगा, कोई भी अवतार ले तो शापग्रस्त हो जाएगा। तो बिना शापग्रस्त हुए इस महिषी को मारने का जो तपस्वी है, जो आलसी है, बैठी हुई है, मरत मारने से रहा, मारा तो उसको शाप, स्त्री का मारने से शाप लगता है, स्त्री को मारने से, चाहे बहन को हो, पत्नी को हो, माँ को हो, कोई भी हो, स्त्री इन सारे रूपों में होती है। तब भगवान को लगा कि अब ये महिषी को मारे तो कैसा है, तो आलसी हो गई है, कर्म रहित हो गई है, इसे मारे तो कौन मारे। तब एक अयोनिज व्यक्ति का जन्म हुआ। अयोनिज व्यक्ति का अर्थ होता है जो बिना माँ के गर्भ से उत्पन्न हुआ हो। यह मोहिनी अवतार हुआ, शिवजी को शिवजी ने कहा कि शिवजी का वीर्यपात हुआ और मोहिनी एक विष्णु स्वरूप कहलाई जाती है। और उस अयोनिज या अयप्पा स्वामी कहलाए जाते हैं, ये शास्ता भैरव कहा गया है। शास्ता भैरव का मतलब होता है धर्म को शासन करने वाला। जब स्त्री संसार में आलस्य प्राप्त करती है, जब महिषी बन जाती है, जब कुलिनी बन जाती है, कोई काम भी नहीं करती, समाज भी आलस्य साफ हो जाता है, समाज में कर्म नहीं रहता। स्त्री जब तक चैतन्यवान है, स्त्री जब तक शक्ति है, तब तक ही समाज चैतन्यवान है। तो स्त्री में स्त्री का चैतन्य जागृत करने के लिए उस महिषी को मारने के लिए भैरव स्वामी शास्ता भैरव अय्यप्पा स्वामी ने अवतार लिया। इन्हें शास्ता भैरव ने शास्ता शासन करने वाला भैरव कहा गया है। जो भी इन्होंने वर में वर दिया कि जो अय्यप्पा का अय्यप्पा की दीक्षा करता है वो कभी कर्म रहित नहीं होता, वो कर्म कभी नहीं छोड़ता, कर्मवान बनता है। और कर्मवान बनने वाला आदमी ही इस संसार में पूजनीय होता है और पूजनीय व्यक्ति ही इस संसार में से सब लोग चाहते हैं। इस कर्म रहित होने और कर्म को पूजा के रूप में प्राप्त करने के लिए और अपने ऊपर जो भी अय्यप्पा स्वामी का एक आशीर्वाद है, जिसको शनि पीड़ा है, उस शनि पीड़ा को इस दीक्षा में 40 दिन जो अनुभव करता है उसे कभी शनि पीड़ा नहीं भोगनी पड़ती, इसलिए इस अय्यप्पा दीक्षा को या कोई भी ग्रह पीड़ा को निवारण करने के लिए धारण किया जाता है। तो मैं आज आपको उस दीक्षा का 25 तारीख हर साल आज 9 साल से यहाँ इसी तरह पूजा होती है और 9 तारीख को हम यहाँ से शबरीमलाई जहाँ यहाँ अय्यप्पा स्वामी का निवास है और उन्होंने कहा कि मैं इस संसार का अद्भुत चमत्कार दिखाऊंगा, जो संक्रांति के दिन वहाँ आएंगे उन्हें ज्योति के रूप में दर्शन दूंगा, ये उनके पिताजी को उनका दिया हुआ वचन है। और आज भी दीक्षा व्यक्ति जो वहाँ शबरीमलाई जाता है उन्हें संक्रांति के दिन ज्योति रूप में अय्यप्पा स्वामी दर्शन देते हैं। और इसी अय्यप्पा दीक्षा को आज वैसे देखा जाए तो मेरा 18वां साल था और 18 साल 18 सिद्धियां हैं, 18 उनकी सीढ़ियां हैं, जो 18 सीढ़ियां चढ़ के जाता है वो गुरु बन जाता है। और गुरु की प्रतिष्ठता को, गुरु की श्रेष्ठता को इस संसार में बतलाने के लिए अय्यप्पा स्वामी ने यह अवतार धारण किया और अवतार धारण करके ये अय्यप्पा स्वामी बनकर आए। और इसी दीक्षा को आज यहाँ हम संपन्न कर रहे हैं। इसे बड़ी पूजा कहा जाता है। बड़ी पूजा का अर्थ होता है कि 18 सोपान, 18 सीढ़ियां, जो एक एक सीढ़ी एक एक सिद्धि लेकर बैठी हुई है, जो इस सीढ़ी पर चढ़कर जाता है उसे वो सिद्धियां प्राप्त हो, ऐसा अय्यप्पा स्वामी ने इन दीक्षा लोगों को दीक्षा लोगों को आशीर्वाद दिया है। और इस आशीर्वाद में उन्होंने कहा है कि तत्त्वमसि, मेरा नाम अय्यप्पा है, तो जो दीक्षा धारण करता है उसका नाम भी अय्यप्पा है। और वो अय्यप्पा जब बनता है तो मेरा नाम मैंने आपको दिया है, इसलिए आप जब सीढ़ियां चढ़ेंगे तो आप गुरु स्वामी कहलाएंगे, आप गुरु तत्व को पहचानेंगे, आप देवता तत्व को पहचानेंगे, ऐसा अय्यप्पा स्वामी ने आशीर्वाद दिया है। इसे सभी को अय्यप्पा कहते हैं। हम तत्त्वमसि का मतलब जब तू दीक्षा धारण किया, माला धारण किया, मैं तू हुआ, तू मैं हुआ, तत्त्वमसि तत्त्वम, मेरा जो तत्व है तेरे में आ गया और वो अय्यप्पा बन गया, इससे अय्यप्पा स्वामी को पूजा करते हैं। और ये ब्रह्मचर्य की विशेष दीक्षा है। ब्रह्मचर्य हो और व्रत का उद्यापन हो और 18 महासिद्धियों को, जिस सिद्धियों को गुरु ने कहा है, जैसे कर्णपिशाचिनी, रेणुका, मातंगी, प्रत्यंगिरा, ये सारी दीक्षाएं इन 18 सीढ़ियों में है। जो ये दीक्षा करते हुए इन सीढ़ियों को चढ़ता है, अपने शरीर पर दीक्षा युक्त होकर चढ़ता है, उसे वो सिद्धियां प्राप्त होती है, ऐसा अय्यप्पा स्वामी ने कहा है। और गुरु तत्व को जागृत किया है। यहाँ 4 बार जो माला डालता है, 5वीं बार डालने वाले को गुरु स्वामी कहा जाता है, यानी गुरु की परंपरा को जागृत करने के लिए दीक्षा कही गई है। और ऐसी परंपरा में जो 18 साल डालता है वो पूर्ण संपूर्ण गुरु बनकर उसके हाथ में गुरुदंड दिया जाता है।
और वहीं सबरीमलाई में एक नारियल सिंबल का घाट लगाया जाता है जो उसका चिन्ह है कि यह गुरुस्वामी हुआ 188 की यहाँ प्राप्त हुई ऐसा कहा जाता है। तो इस अय्यप्पा स्वामी की दीक्षा से कोई भी ग्रह पीड़ा अपने ऊपर काम नहीं करती और कोई भी ग्रह अपने को कष्ट नहीं पहुंचाता और सारी देवताओं की जो 18 सिद्धियों वाली सिद्धियां हैं वो हम उसको प्राप्त करते हैं। इस प्रकार इस अय्यप्पा की दीक्षा को आपको संक्षिप्त में बताया हूँ। अभी सभी लोग भोजन करने